नमस्कार दोस्तों, कुमार फर्स्ट इन्फो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त महेश कुमार। आज मैं हूँ महाराष्ट्र के एक बहुत ही धार्मिक स्थल यानी कि त्रिंबकेश्वर, जो कि एक बहुत ही धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ मैं आया था अपने कुछ धार्मिक कार्य के लिए ही, लेकिन मुझे यहाँ मुलाकात हुई महाराज से, जिन्होंने मुझे काफी अच्छी हॉस्पिटलिटी यानी कि बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्रदान की और साथ ही इस स्थान के महत्व को बताया। जहां तक कि यहाँ मैं आया था उस स्थान की इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन महाराज से मिलने के बाद जितनी इस स्थान की डीप और विशेष जो कि जानकारी जो विशेषता इन्होंने बताई, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं सर जी से उनके बारे में जानना चाहूंगा और नाम जानना चाहूंगा। सर जी आपका नाम? मेरा नाम है सतीश प्रभाकर वैद्य, पंडित सतीश प्रभाकर वैद्य। सर जी का नाम जैसे बताया पंडित जी सतीश प्रकाश प्रभाकर वैद्य, प्रभाकर वैद्य। तो गोदावरी का कुंड है, कुंड के पीछे वैद्य वाला, गोदावरी कुंड के पीछे। तो चलिए अभी इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं और जानते हैं इस विशेष स्थान की महत्व। तो यहाँ हम कुछ जाने की इस स्थल की कुछ विशेषताओं के बारे में, इस मंदिर की खासियत के बारे में, क्यों ये इतना फेमस है और क्या है इस स्थान की विशेषता है। तो सर जी पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको सर कि आपने हमें यहाँ पर विशेष जगह दी और आपने इस स्थान के महत्व के बारे में बताया। जहाँ तक कि हम आए थे हम इसे सिर्फ धार्मिक स्थल समझते, लेकिन आपने जितना इसके बारे में हमें डीप समझाया कि यहाँ पर तीन देवताओं का जो वास है और इस स्थल का जो महत्व है, तो मैं चाहूंगा जितना आपने मुझे समझाया उतना ही सभी देशवासियों को भी आप थोड़े इस स्थल के बारे में बताइए, ताकि लोग भी जागरूक हो और यहाँ पर आके और भगवान का आशीर्वाद ले सके। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप यहाँ के बारे में बताइए। ये जो त्रंबकेश्वर देवस्थान जो है, यहाँ पे मेन गोदावरी का उत्पत्ति स्थान, गोदावरी मेन गोदावरी पाप क्षयन करने के लिए उत्पत्ति की गई जी। आदमी की लोगों की पाप का दूर हो जाए, इसके वजह से यहाँ पे गोदावरी का उत्पत्ति किया गया है जी। ब्रह्मा गौतम ऋषि से गो हत्या का पातक हुआ था जी। और गो हत्या का पातक होने के कारण उन्होंने सभी लोगों ने कहा गया भगवान ने कि आप गोदावरी में स्नान करोगे तो ही आपका पातक चला जाएगा। तो यहाँ तो सर कुंड है सर, यहाँ गोदावरी का मेन उगम स्थान पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर। हाँ, ऊपर जहाँ से गोदावरी यहाँ आई हुई, बिल्कुल। हाँ, अभी कुंड के ऊपर अभी स्नान किया और वहाँ पे गोदावरी आई हुई। यहाँ से उतना ही यहाँ पे मेन उगम स्थान है जी। यहाँ से आगे नासिक गई, नासिक से राजमंड्री तक लास्ट राजमंड्री तक है जी। यहाँ गोदावरी का उगम स्थान है, मेन उगम स्थान ये है, वो पहाड़ के ऊपर है जी। यहाँ से गोदावरी मेन गोदावरी का उत्पत्ति स्थान ये है जी। दूसरी बात, यहाँ मेन त्रंबकेश्वर भगवान का मंदिर है जी। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से जी ये मेन ज्योतिर्लिंग है जी। यहाँ पे विशेष करके ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों भगवान एक ही स्थान के ऊपर है, एक ही स्थान। हाँ, ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं है कि तीनों भगवान एक ही स्थान के ऊपर। ज्योतिर्लिंग तो है, हर एक ज्योतिर्लिंग के वहाँ पे शिव जी की लिंग होती है सर। भारत में जैसे 11 ज्योतिर्लिंग है हाँ। सर तो यहाँ पर जो ये ज्योतिर्लिंग है, जैसा आपने कहा इस तरह का पूरे भारत में आपको कहीं नहीं है। नहीं, तीनों भगवान एक ही स्थान के ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों भगवान है एक स्थान। ये जो लिंग है ये स्वयंभू ऑटोमेटिक आया हुआ है, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल, यहाँ पे किसी ने इसको प्रस्थापित नहीं किया हुआ, नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान एक स्थान के ऊपर है। और यहाँ पे विशेष करके यहाँ पे कालसर्प दोष का पूजन किया जाता है, तो शिव जी का स्थान होने के कारण। और यहाँ पे ये जो है ये सिद्ध क्षेत्र है, तीनों भगवान एक ही स्थान पर होने के कारण ये सिद्ध क्षेत्र जो है त्रंबकेश्वर क्षेत्र, ये सिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे कोई भी आप कार्य करोगे तो उसका फल डबल होता है जी। यहाँ पे जो भी कार्य पूजा करेंगे, जो भी उसका पूजा करेंगे, हर चीज का फल डबल होता है जी। इसलिए ये कार्य यहाँ करने का विशेष महत्व है, ताकि भगवान तो सभी जगह पे, बिल्कुल सर, भगवान कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यह स्थान का विशेष महत्व है जी। यहाँ पे कार्य करने से उसका फल डबल होता है। यहाँ पे विशेष करके और पितृदोष का भी पूजा किया जाता है, पितृदोष का पूजन यहाँ पे अपने सभी पूर्वजों को मोक्ष मिलने के लिए जी। गया में आप श्राद्ध करते हैं या काशी में श्राद्ध करते हैं, वाराणसी में श्राद्ध करते हैं, वहाँ पितरों का कर्म होता है, पितरों का कर्म होता है। और यहाँ पे विशेष कर प्रेत कर्म होता है,
प्रेत कर्म का मतलब होता है कि जिनको सदगति नहीं मिली है, जिनको मोक्ष नहीं मिला है, उनके लिए विशेष कार्य यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे दो कार्य विशेष होते हैं, एक त्रिपिंडी श्राद्ध और एक नारायण नागबली। नारायण नागबली पूरे भारत में त्र्यंबकेश्वर प्रसिद्ध है नारायण नागबली के लिए, पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं नारायण नागबली करने के लिए। तो जहाँ विशेष अपने पूर्वजों को, ये प्रेत कर्म है मतलब जिसको सदगति नहीं मिली है, जिनको मोक्ष नहीं मिला है, उनके लिए यहाँ पे 3 दिन का नारायण नागबली ये विधि किया जाता है। और यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध ये भी पूर्वजों के मोक्ष के लिए किया जाता है। यहाँ पे पूर्वजों के मोक्ष के लिए 2 विधि किए जाते हैं। खुद राम ने यहाँ आके, राम भगवान ने यहाँ आके अपने पूर्वजों को सदगति मिले, मोक्ष मिले, इसलिए यहाँ पे श्राद्ध किया था। ये गोदावरी का कुंड है, वहां पे ही उन्होंने श्राद्ध किया था कि अपने पूर्वजों को सदगति मिले, पूर्वजों को मोक्ष मिले। यहाँ पे विशेष तो ये विशेष करके यहाँ पे पूर्वजों का दोष का पूजा किया जाता है। और यहाँ पे अपने कालसर्प दोष, राहु का दोष, राहु काल सर्प, ये भी यहाँ विशेष करके पूजा की जाती है। मतलब इस जगह का महत्व बताया जाए उतना शायद कम ही है, कम ही है। तो देखा जैसे फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों, जैसा कि सर जी ने बताया कि मतलब जितनी बात की जाए इस जगह के बारे में शायद उतना कम है। अगर सर जी अगर इस जगह के बारे में अगर पूरे दिन भी बोलना चाहे तो मुझे लगेगा कम है, क्योंकि सर जी ने कम समय होने के कारण हमें एक निष्कर्ष इसका मतलब कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे आप समझ सको। और बाकी अगर आपको इस जगह के बारे में या फिर इन किसी भी, जैसे कि सर ने काल से पूजा बताया या पितृदोष पूजा बताया, इनका मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो अगर आप कहीं से भी हो भारत में, अगर आप इस तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके इनसे पूछ भी सकते हो, और यहाँ पर आके आप इनके साथ रह भी सकते हो और काफी और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसे कि सर ने आज सुबह बहुत ही अच्छे मेरे डायरेक्ट जो कि यहाँ का ज्योतिर्लिंग है, जो त्र्यंबकेश्वर का जो अंदर है मंदिर में जाके हमने वहां पर जल चढ़ाया और बहुत ही अच्छे से भगवान का आशीर्वाद लिया। तो सबसे पहले आप सभी की ओर से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें इतनी सेवाएं दी और ये इस धर्म स्थल का जो हमें महत्व बताया उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद देते। आशा करता हूँ कि सर आपने जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है ये सभी लोग जो देख रहे हैं, जिनको भी वो लोग आएंगे और जो भी हमको पूछेंगे फोन के ऊपर बताया, तो भी सभी अच्छी तरह से उनको मार्गदर्शन किया जाएगा और अच्छी तरह से उनको मार्ग मिल जाएगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप आते हो या फिर कॉन्टेक्ट करते हो तो आपका बहुत ही अच्छी तरह से ये मार्गदर्शन भी करेंगे और इस जगह का जितना हो सके उतना आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि तो आपको जो सर जी के साथ जो वीडियो लिया गया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस महाराष्ट्र के जो धर्म स्थल है ये त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, इसके इस विशेष स्थान के महत्व को लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सके और जो लोग नहीं जानते वो भी इसे जान सके। धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह मैं हूँ आपका दोस्त महेश का, थैंक यू। नमस्कार।